नमस्कार, वीकेबी न्यूज के सुबह के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। जरीपटका में पटाखों की दुकान में लगी आग से मची दहशत। अनहोनी होने से पहले दमकल विभाग ने आग पर किया काबू। घर में घुसकर रॉड से हमला कर अपराधी को मौत के घाट उतारा। यशोधरा नगर थाना अंतर्गत गोसावी अखाड़ा परिसर में घटना। और त्रिपुरा में मुस्लिम समाज पर किए जा रहे अन्याय के खिलाफ नागपुर में कार्यक्रम का आयोजन। उत्तर नागपुर मुस्लिम फोरम ने की न्याय की मांग। और अब खबरें विस्तार से। दिवाली के दिन शहर का अग्निशमन विभाग काफी व्यस्त रहा। शाम से शुरू हुई आग की घटनाएं देर रात तक चली। हालांकि घटनाओं में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। दिवाली के दिन 10 जगहों पर आग लगने की सूचनाएं मिली, जिसमें जरीपटका में पटाखा की दुकान में आग लगने की घटना गंभीर रही। मिली जानकारी के अनुसार जरीपटका के बाराखोली क्षेत्र में रात करीब 11:30 बजे पटाखों की दुकान में आग लग गई। आग को फैलने में समय नहीं लगा। इमारत के ग्राउंड फ्लोर के बाद जल्द ही ऊपर की 2 मंजिलों से भी धुआं निकलने लगा। पता चला कि आग ग्राउंड फ्लोर से शुरू हुई थी। हालांकि घटना के समय दुकान बंद थी। आग तेज होते ही किसी ने अग्निशमन विभाग को सूचना दी। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। इमारत के दूसरे हिस्से में किराने की दुकान थी, जिसमें मुख्य रूप से पैकेट स्नैक्स आइटम जैसे बिस्कुट, चिप्स आदि सामान रखा था। ग्राउंड फ्लोर केवल एक ही तरफ से आवाजाही संभव थी, जबकि बाकी तीनों हिस्से बंद थे। ऐसे में दमकल कर्मियों को बगल की दूसरी इमारत की दीवार तोड़कर पहुंचना पड़ा। आग की गंभीरता को देखते हुए 7 दमकल वाहन और 1 बड़ी सीढ़ी मौके पर पहुंचाई गई। 3 घंटे की लंबी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान किसी को भी चोट लगने की जानकारी नहीं थी। पटाखे की दुकान में आग लगने की खबर फैलते ही परिसर में दहशत का माहौल हो गया। आनन फानन में लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। एक तरफ दमकल कर्मियों को शुरुआत में दुकान में पानी डालने में परेशानी हो रही थी, दूसरी तरफ लोगों के जमावाड़े ने परेशानी को अलग बढ़ा दिया था। हालांकि इसी अनहोनी से पहले ही दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया और लोगों ने भी राहत की सांस ली। यशोधरा नगर थाना अंतर्गत गोसावी अखाड़ा परिसर में घर के बाहर शराब पीने को मना करने पर 2 गुटों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि एक दूसरे के घरों में घुसकर जमकर मारपीट की गई। इस बीच रॉड लगने से अपने दोस्त के घर दिवाली की बधाई देने आया अपराधी बुरी तरह जख्मी हो गया। शुक्रवार सुबह इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक का नाम आजाद नगर निवासी जफर अब्बास अली बरकत अली है, जबकि आरोपियों में सूरज तायवाड़े, अनिल कुंभारे, राहुल उर्फ शेंडी, रामदेवपुरी, जितेश अशोकपुरी, शुभम वंजारी, अन्नु अशोकपुरी, शेरा नाम का युवक बताया गया है। सभी गोसावी अखाड़ा परिसर निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जफर रात करीब 11:30 बजे गोसावी अखाड़ा परिसर में अपने दोस्त राजा अशोक पाठक के घर बैठा हुआ था। इसी समय राजा का भाई सुंदर अपने 2 दोस्तों चित्या और तुषार के साथ परिसर में ही रहने वाली नंदा नाम की महिला के घर के सामने से गुजर रहे थे। तभी आरोपी नंदा के घर के सामने ही शराब पीकर हंगामा मचाने लगे थे। नंदा उन्हें हंगामा करने के लिए मना कर रही थी और वहां से जाने के लिए भी डांट रही थी। इसी समय वहां से गुजर रहे सुंदर ने भी नंदा से कहा कि आरोपियों को भगा देना चाहिए। इस बात से सभी आरोपी सुंदर और उसके दोस्त से विवाद करने लगे। इनमें से एक ने सुंदर पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। सुंदर के दोनों दोस्त वहां से भाग गए। सुंदर अपने घर लौटा और जफर व अपने परिवार को सारी बात बताई। कुछ देर बाद सुंदर ने आरोपियों के घर जाकर उससे मारपीट की और गाली गलौज कर लौट आया। कुछ देर में ही सारे आरोपी रॉड लेकर सुंदर के घर पहुंचे और वहां मौजूद सभी लोगों पर हमला कर दिया। सुंदर अपने परिवार के कुछ लोगों के साथ भागकर एक कमरे में बंद हो गया। इससे पहले कि जफर और राजा संभल पाते, वे भी आरोपियों के हमले की चपेट में आ गए। वहीं घर में मौजूद महिलाओं में दिशा पाठक का पैर और सीता का हाथ टूट गया, जबकि जफर के सिर पर गंभीर चोटें आई। सभी को जख्मी करके आरोपी मौके से भाग गए। किसी ने पुलिस को सूचित किया। मौके पर पुलिस पहुंची। जफर को तुरंत एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि राजा, दिशा और सीता समेत बाकियों को मेयो ले गए। उधर शुक्रवार सुबह जफर ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। त्रिपुरा में हो रहे मुस्लिम समाज पर अन्याय के विरोध में शुक्रवार को उत्तर नागपुर मुस्लिम फोरम द्वारा फारूक नगर मैदान पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान त्रिपुरा में की जा रही हिंसा की निंदा करते हुए आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। देश भर में इन दिनों त्रिपुरा में मुस्लिम समुदाय के साथ किए जा रहे अन्याय व अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नागपुर के फारूक नगर मैदान पर शुक्रवार को
उत्तर नागपुर मुस्लिम फोरम द्वारा त्रिपुरा की घटना की निंदा की गई। मुस्लिम समुदाय ने इस दौरान दोषियों पर कड़ी कार्रवाई कर मुस्लिम समाज को न्याय देने की मांग करते हुए अपने विचार बीकेबी न्यूज के साथ साझा किए। उत्तर नागपुर मुस्लिम फोरम के तत्वाधान में विगत कई दिनों से हो रही त्रिपुरा में मुस्लिम धर्म पर कट्टरवादी संगठनों द्वारा की जा रही हिंसा के विरोध में और शांति दूत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए, जो कि सिर्फ मुस्लिम धर्म के नहीं सारी इंसानियत के पैगंबर हैं, उनकी शान में अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा किया गया, उसके विरोध में आज उत्तर नागपुर मुस्लिम फोरम के द्वारा एक विशाल विरोध प्रदर्शन फारूक नगर के ऐतिहासिक शाहीन बाग मैदान में आयोजित किया गया, जिसमें विविध क्षेत्र में रहने वाले हमारे तमाम मुस्लिम धर्म गुरु, हमारे इंटेलेक्चुअल्स सबकी सहभागिता के साथ इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाया गया। आज जो ये प्रोटेस्ट का कार्यक्रम यहाँ पर फारूक नगर मैदान में रखा गया है, इस कार्यक्रम का मकसद सिर्फ एक है, जिन लोगों ने त्रिपुरा में जो ये घटना की, मुसलमानों के साथ में जुल्म सितम और अत्याचार किया है, हमारा मकसद ये है कि उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उन लोगों को अंदर किया जाना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने ये जो वाहियाताना काम किया है, जो मुसलमानों की मस्जिदों को जलाया है, मुसलमानों के घरों को जलाया है, मुसलमानों के ऊपर में जुल्म सितम और अत्याचार किया है, हमारी मुकद्दस किताब जिसे हम कुरान शरीफ कहते हैं, उस मुकद्दस किताब जो हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है, उस मुकद्दस किताब को जलाया है, इसकी हम सरेआम निंदा करते हैं। और ऐसे संगठन को, जो संगठन जैसे आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है और भी जो असामाजिक तत्व के संगठन है, मैं ऐसे संगठन को आतंकवादी संगठन कहूँगा, जो हमारे मुल्क की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सलील नगर तुम आगे पढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सलील नगर तुम आगे पढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के विरोध में आंदोलन किया। अनिल देशमुख पर ईडी द्वारा की जा रही कार्रवाई ये दबाव तंत्र के चलते ही की जा रही है। देशमुख द्वारा ईडी को सहयोग करने के बावजूद देर रात उन्हें हिरासत में लिया गया, वहीं उनके परिजनों से बार बार पूछताछ कर उन्हें परेशान किया जा रहा है। इस बेबुनियाद कार्रवाई के चलते राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। शुक्रवार को काटोल और नरखेड़ में विविध 18 स्थानों पर एक साथ रास्ता रोको आंदोलन कर कार्रवाई का विरोध किया गया। आंदोलनकारियों का कहना है कि एक और परमवीर सिंह आयोग के समक्ष कहते हैं कि उनके पास पत्र के अलावा कोई सबूत नहीं है, और दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में ईडी द्वारा बताया जाता है कि अनिल देशमुख ये संदिग्ध है, इसलिए उनकी जांच और पूछताछ करनी चाहिए। कोर्ट ने दिए आदेश के बाद अनिल देशमुख ईडी के समक्ष जांच के लिए उपस्थित होते हैं, आधी रात को उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। शिकायतकर्ता परमवीर सिंह की अभी तक किसी भी प्रकार की जांच नहीं करना इस बात की संकेत देती है कि केंद्र की भाजपा सरकार ये परमवीर सिंह की आड़ में देशमुख परिवार के खिलाफ बड़ी साजिश रच रही है। इसके विरोध में काटोल विधानसभा क्षेत्र में शुक्रवार को करीब 18 स्थानों पर रास्ता रोको आंदोलन किया गया और विधानसभा क्षेत्र के नागरिक भी देशमुख की गिरफ्तारी का विरोध किया गया। महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर शहर में आपराधिक घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं चोरी और लूटमार की घटनाओं में भी इजाफा आया है। पुलिस द्वारा तमाम तरह के प्रतिबंधात्मक उपाय करने के बाद भी अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। इस बीच दोपहर के वक्त अपने घर में सो रही एक महिला को दो अज्ञात आरोपियों ने चाकू की नोक पर जान से मारने के लिए धमकाया और फिर 1,35,400 रुपये का माल लूट लिया गया। दिन दहाड़े हुई वारदात से परिसर में दहशत मच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुष्पकुंज समाज भूषण सोसाइटी न्यू मनीष नगर निवासी योगिता गोविंदरा श्री रामन दोपहर करीब 3 बजे अपने घर पर सो रही थी। उनके सास ससुर बाहर से ऑटोमेटिक लॉक करके किसी काम से बैंक गए हुए थे। इस बीच दो अज्ञात आरोपी उनके घर पहुंचे और फर्जी तरीके से घर के मुख्य द्वार का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया। उन्होंने घर में सो रही योगिता के गले पर चाकू लगाकर शोर मचाने से मना किया और ऐसा करने पर जान से मारने की धमकी दी। आरोपियों ने घर से 1,35,000 रुपये के सोने चांदी के गहने और 400 रुपये नकद समेत 1,35,400 रुपये का माल लूटकर भाग गए। योगिता ने तुरंत पुलिस और अपने रिश्तेदारों को जानकारी दी। बेलतोड़ी पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
इस घटना से परिसर में दहशत का माहौल है। कई परिवार में बुजुर्ग लोग रहते हैं। वहीं त्यौहार का सीजन होने से लोगों को एक से दूसरे गाँव और शहरों में आना जाना है। इस हालत में इस तरह की घटनाएं लोगों के मन में दहशत निर्माण कर रही है। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities। Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वाठोड़ा थाना अंतर्गत फर्जी कागजात बनाकर 3,30,000 रुपए में कार बेचने का मामला सामने आया है। आरोपियों में हिबरी नगर देशपांडे लेआउट निवासी अभिषेक आदे, अतुल वैद्य और भांडे प्लॉट उमरेड रोड निवासी मुकेश धोटे का समावेश है। प्राप्त जानकारी के अनुसार साई बाबा नगर खरबी रोड निवासी सचिन माणिकराव नोनकर और आरोपी अतुल एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अतुल ने बात बात में बताया कि उसे एक कार MH 32 C 7505 बेचना है। कुछ दिन बाद सचिन ने वह कार खरीदने में रुचि दिखाई। नंबर की जांच करने पर पता चला कि ये कार मुकेश धोटे के नाम पर है, लेकिन अतुल ने सचिन को बताया कि कार का मूल मालिक मुकेश नहीं बल्कि अरुण भूरे नाम का व्यक्ति है। चूंकि सचिन को अतुल पर विश्वास था, इसीलिए वह झांसे में आ गया और कार के सौदे की बात आगे बढ़ाई गई। इसके बाद अभिषेक और अतुल ने मुकेश को ही अरुण भूरे बताकर कार के फर्जी कागजात बनाकर सचिन से 3,30,000 रुपए लिए। अपने साथ हुई धोखाधड़ी का पता चलते ही सचिन ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केंद्र सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क में कटौती किए जाने के बाद नागपुर सिटी में पेट्रोल की कीमतों में प्रति लीटर 5.81 रुपए तथा डीजल की कीमतों में 12.08 रुपए की कमी दर्ज की गई है। सिटी में पेट्रोल की कीमत अब 109.73 रुपए जबकि डीजल की कीमत 92.64 रुपए के स्तर पर पहुंच गई है। डीलरों ने बताया कि शहर में पेट्रोल अपने उच्चतम स्तर 115.54 रुपए लीटर जबकि डीजल 104.72 रुपए के स्तर पर पहुंच गया था। कीमतों में आई जबरदस्त उछाल ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। खासकर डीजल के मूल्य वृद्धि से माल परिवहन करना मुश्किल हो रहा था और चीज महंगाई की आग में सुलग रही थी। शहर के लोगों का कहना है कि जितनी वृद्धि की गई थी उसकी तुलना में कमी काफी कम है। आज भी पेट्रोल 109 रुपए के स्तर पर है, जो आम आदमी के लिए परेशानी का सबब है। डीजल 92 रुपए के स्तर पर है, इससे भी महंगाई को कम करने में आंशिक मदद ही मिल पाएगी। उनके मुंह में जीरा जैसा कदम उठाया गया है। इस बीच एकाएक पेट्रोल डीजल मूल्य कम करने से पेट्रोल पंप संचालकों को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान झटके में उठाना पड़ा है। इन्हें उम्मीद नहीं थी कि किस प्रकार शुल्क में कटौती हो सकती है। सभी के पास लाखों लीटर पेट्रोल डीजल का स्टॉक पड़ा हुआ था, जो ऊंची कीमतों में खरीदी की गई थी। मूल्य कम होने से ऐसे लोगों को अच्छी खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। संचालक सरकार के एकाएक उठाए गए कदमों का भी विरोध कर रहे हैं, सेक्टर के लिए भारी नुकसान की बात भी कर रहे हैं। जिला परिषद में FD घोटाले की गूंज अभी तक शांत नहीं हुई। अब तो इस घोटाले में आरोपित ठेकेदार के अधिकारियों से गलबाहिया डालने की चर्चा है। नानक कंस्ट्रक्शन कंपनी के संचालक पर घोटाले के आरोप में पुलिस में मामला दाखिल किया गया है। उसे भारी प्रयासों के बाद अग्रिम जमानत भी मिली है। अब सूत्र दावा कर रहे हैं कि घोटाले के जिस आरोपित ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है, वह जलापूर्ति विभाग से संबंधित ठेकेदार के माध्यम से कार्य कर रहा है। ये भी पता चला है कि इसकी जानकारी जब CEO योगेश कुंभेजकर को लगी तो उन्होंने विभाग प्रमुख पर नाराजगी जताते हुए आड़े हाथ लिया है। नानक कंस्ट्रक्शन के माध्यम से ठेका लेते समय FD भरी गई थी, लेकिन अधिकारियों के साथ सेटिंग कर काम पूरा होने के पहले ही वह FD की रंगीन जेरोक्स प्रति जोड़कर रकम वापस ले ली गई। उसी रकम से दूसरे काम वह करता था। ये घोटाला उजागर होने के बाद जिला परिषद में हड़कंप मच गया था। जिला परिषद की आम सभा में भी ये घोटाला गूंजा था। तब सदर पुलिस थाना में ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जाँच शुरू की गई। उसे ब्लैकलिस्टेड करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया। FD घोटाले का मामला कुछ सत्ताधारी के साथ ही विपक्षी सदस्यों ने उठाया था।
इसके साथ नियमानुसार कार्रवाई शुरू होने के चलते सभी शांत हो गए, लेकिन अब प्रत्यक्ष में नानक कंस्ट्रक्शन का कुछ भी नहीं बिगड़ा। अब जलापूर्ति विभाग के कार्यकारी अभियंता ने सब कुछ भुलाकर उसे दिए गए 7-8 करोड़ रुपए के कार्य को पूरा करने का निर्णय लिया है। जब इसकी जानकारी सीईओ को लगी तो उन्होंने कार्यकारी अभियंता को बुलाकर आड़े हाथ लिया। उन्होंने नानक कंस्ट्रक्शन को दिए गए कार्यों को पूरा करने के लिए फिर से नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया करने का निर्देश दिया है। मनपा द्वारा हर वर्ष चौराहों सहित डिवाइडर के सौंदर्यीकरण पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन उचित देखभाल नहीं होने से हालात खस्ता हो गए हैं। ये सिलसिला वर्षों से जारी है, इसके बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। जनता के टैक्स से जमा की गई रकम का किस तरह दुरुपयोग विकास में बाधक बना हुआ है। 2 वर्ष पहले मेडिकल चौक पर शानदार सौंदर्यीकरण किया गया था, फूलों के पौधे लगाए गए थे, लेकिन मार्च में लॉकडाउन के बाद हालत बिगड़ने लगी। अब स्थिति देखते ही बनती है। भीतर बने फव्वारे सूख गए हैं, लोहे की रैलिंग टूट गई है, फूलों के पौधे की बजाय घास उग गई है। नागपुर शहर में सौंदर्यीकरण को लेकर मनपा की उदासीनता साफ तौर पर नजर आती है। यदि किसी चौराहे या डिवाइडर पर सौंदर्यीकरण किया गया तो वह कितने दिन तक रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसकी मुख्य वजह है मेंटेनेंस के प्रति बरती जाने वाली लापरवाही। 2 वर्ष जनवरी में मेडिकल चौक पर शानदार सौंदर्यीकरण किया गया था, फूलों के पौधे लगाए गए थे, हरी घास बिछाई गई थी। कुछ दिनों बाद चौक की सुंदरता में 4 चांद लग गए, लेकिन मार्च 2020 में लॉकडाउन के साथ ही पौधों को पानी देना बंद कर दिया गया। अप्रैल और मई में भी लॉकडाउन होने से देखरेख नहीं हो सकी, परिणाम स्वरूप हरियाली पूरी तरह से सूख गई। इसके बाद लॉकडाउन खत्म हुआ लेकिन सौंदर्यीकरण नहीं किया गया। बारिश के दिनों चौक के भीतर घास उग गई थी, घास के साथ ही अन्य खरपतवार भी उगने लगे। कुछ जगह लोहे की रैलिंग टूट गई, फव्वारे सूख गए, फव्वारे के लिए बनाए गए स्टैचू भी टूट गए हैं। चौक के भीतर इतनी ऊंची घास उग गई है कि कुछ भी नजर नहीं आता। परिसर के नागरिकों ने बताया कि चौक पर सौंदर्यीकरण किए जाए तो सुंदरता में 4 चांद लग सकते हैं, लेकिन मनपा प्रशासन का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। केवल मेडिकल चौक पर ही नहीं बल्कि शहर के अन्य हिस्सों में भी ये अवस्था देखने को मिलती है। एक बार सौंदर्यीकरण करने के बाद देखरेख के लिए लावारिस छोड़ दिया जाता है, कई बार आवारा मवेशी पौधों को खा जाते हैं, लोहे की रेलिंग तोड़कर लोग चुरा लेते हैं। मेडिकल चौक से हर दिन हजारों लोग गुजरते हैं, इसके बावजूद मनपा प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शहर की सुंदरता के लिए योजनाएं तो बनाई जा रही है, लेकिन उन योजनाओं को अंजाम तक पहुंचाने में बरती जा रही लापरवाही की वजह से ही अव्यवस्था का आलम बना हुआ है। तो सुबह के प्राइम टाइम न्यूज में अभी इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।